अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यू टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, व्यू टैब पर चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक सबसे पहले मेरे पास वर्कबुक व्यूज है, फिर शो है, फिर जूम और विंडो, और लास्ट में मैक्रोस। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है रिलेटेड टू एमएस वर्ड है। हम ये थोड़ी बहुत इनसे मिलते जुलते चीजें एमएस वर्ड में भी सीख के आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है कि हमारी जो ये वर्कबुक शीट जो है, ये तमाम चेंजिंग जो होगी हमारी इस वर्कबुक पे होंगी। ठीक है, तो जो हमारी वर्कबुक है इसमें जितनी भी हम चेंजिंग करेंगे इनसे रिलेटेड वो इस वर्कबुक के ऊपर शो होंगी। ठीक है, तो अभी जो मेरा पेज या कहना चाहिए ये जो शीट खुली हुई ये जो है बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, मतलब जब भी आप या मैं जब भी हम एमएस एक्सेल को खोलते हैं तो हमारे पास ऐसी विंडो शो होती है। ठीक है, तो अगर आपने मतलब इसमें कुछ वर्किंग की हुई है और आप उसको चेक करना चाहते हैं, मतलब जब हम प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, मतलब कोई भी हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और फिर हमने उसको प्रिंट आउट करना है, तो हम सबसे पहले उसका लेआउट देखते हैं कि वो किस तरह से पेज के ऊपर शो होगा। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हम वर्ड पे काम करते हैं तो पेजेस पे काम कर रहे होते हैं, हमें समझ भी आ रहा होता है कि इस तरह इतना हिस्सा जो वर्क का है वो हमारे पास इस पेज पे शो होगा। ठीक है, तो अब ये तो एक शीट है, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। मतलब हम अगर विड्थ में और हाइट में देखें तो हमें पता नहीं चल रहा कि पेज किस तरह से ब्रेक होगा। तो हम वो चीज देख सकते हैं यहाँ से कि पेज ब्रेक प्रीव्यू करके हम देख सकते हैं कि पेज ब्रेक जो है वो कहाँ से किस तरह से हो रहा है, कितना डेटा एक पेज के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट वाली शीट पर। यहाँ मैंने कुछ काम किया हुआ है, इसको देखते हैं। इसको देख के आपको समझ आएगा कि हमारा काम जो है वो किस तरह से पेजेस में ब्रेक हो रहा है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, इसी थोड़े से काम को थोड़ा बढ़ा लेती हूँ ताकि हमें पता चले कि पेजेस पे कितना काम आ रहा है। ठीक है, ज्यादा वर्क होगा तो हमें पता चलेगा, थोड़ा वर्क होगा तो वो एक ही पेज पे आ जाएगा और इतना फर्क वाजे नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि कुछ चीजें लेकर इनको पेस्ट कर लिया उसी डेटा को। अगर आप मतलब ये तो मैं एक सिंपली जो है एग्जांपल ले रही हूँ, आप लोग इस काम को वैसे अगर प्रैक्टिस के तौर पे करें तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, हम जब कोई सैलरी शीट या कुछ भी इसे एबीसी मार्ट का ही जो है डेटा बनाया हुआ है तो बहुत छोटा सा है, मिनिमम चीजें हैं। ठीक है, सिलेक्टेड चीजें, लेकिन अगर हम इसको एक बिल्कुल जो है प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाए तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं और वो फिर यहाँ पर जो है इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, ये तो हम एक एग्जांपल लेके इस पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये हिस्सा ले लिया। अब हम चलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू पर। ठीक है, जैसे हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पेजेस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और हमें शो होना शुरू हो जाएगा। देखिये इस तरह से अभी हमें शो करके बता रहा है कि ये पेज वन है, ये पेज टू है, ये थ्री है, ये फोर है। ठीक है, काम का इतना हिस्सा जो हमने वर्किंग की है उसका इतना हिस्सा इस पेज पे शो होगा, बाकी जो है वो इस पे होगा, फिर इस पे और फिर इस पे। ठीक है, इस तरह से वर्किंग हमारे पास ये नजर आ रही है। अगर आपने इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। आप वापस से नॉर्मल पर जाएं और जाके अपने डेटा को देख लें। देखिए लाइन भी शो हो रही है। ठीक है, ये बता रही है कि यहाँ से पेज ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करने के लिए ये चीज इधर आया, आप इनको जो है कॉलम्स की विड्थ को हाइट को कम करके जो है चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम काम करके आप अपने काम को या अपने पेजेस को देख सकते हैं कि मैंने कितना काम का हिस्सा अपने इस पेज पे लेके आना या उस पेज पे लेके आना। ठीक है, मैं दोबारा से करके बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से पेज ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये बता रही है कि इतना पेज नंबर वन है, ये पेज नंबर टू है, ये पेज नंबर थ्री और ये पेज नंबर फोर। ठीक है, तो आप प्रिंटर पर जब पेजेस अटैच करेंगे और फिर जब उसको प्रिंट आउट करेंगे इस चीज को, तो ये इस तरह से प्रिंट आउट होकर आएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है, वापस से नॉर्मल कर देते हैं। हमारे पास है पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट का मतलब कि हमारे पास जो ये पेजेस हैं वो अपने अलग अलग हिस्सों में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, जितने पेजेस आपने यूज किए हों वो वहां पर शो होना शुरू हो जाएंगे। क्लिक करते हैं हम इस पर, जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से पेजेस में ब्रेक हो गया। ठीक है, एक पहला पेज जो हमारा है वो ये है। ठीक है, ये पहला पेज है और इसको भी थोड़ा सा जूम इन करके दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पेज है और इसमें इतना हिस्से का काम हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम जो है इसमें हम हेडिंग भी लगा सकते हैं, हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आपने कोई चेंजिंग करनी तो वो भी कर सकते हैं, ये हमारे पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, फुटर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कस्टम व्यू का। कस्टम व्यू में क्या होता है कि हमने मैं आपको एक नई शीट पर लेकर चलती हूँ, वहां से खाती हूँ। ये मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, इस डेटा को मैंने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके कहीं और लेके जाना, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाह रही। मैं क्या करूंगी, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और कस्टम व्यू में जाके यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे।
फिर क्या होगा कि हम इसको जगह जगह जाकर जहां भी हमें इसको व्यू करना है हम इसको इजीली व्यू करवा सकेंगे। ठीक है, मैंने इसको ऐड किया, मुझसे इसका नाम पूछ रहा है, तो इस फाइल को आप क्या नाम देना चाहते हैं, जो भी आपका जो है अकॉर्डिंग टू योर डेटा आप इसको दे सकते हैं। तो मैंने वैसे सिंपली 1, 2, 3 ले लिया और ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कस्टम व्यू के अंदर जाकर एड हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये यहाँ शो ना हो, ये कहीं भी हो यहाँ पर आ जाए, आप इसको नई शीट पे लेके जाके प्रिंट आउट सॉरी व्यू करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको व्यू करवाती हूँ, कस्टम व्यू पे गई, शो करवाया और देखें यहाँ पर डेटा शो हो गया। लेकिन देखें पहले से यहाँ पे डेटा शो हुआ है तो ये नहीं होगा, हम चलते हैं दूसरी शीट पे ताकि समझ आ जाए इजीली। तो कस्टम व्यू पे चलते हैं और शो पे प्रेस करते हैं तो देखें यहाँ पे बस वही डेटा एज इट इज यहाँ पर भी शो हो गया है। ठीक है, तो ये होता है कस्टम व्यू। तो हमने वर्कबुक व्यू को देख लिया, अब हम चलते हैं शो पर। इसके लिए हम चलते हैं नई शीट पे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे देख लेते हैं रूलर में क्या होगा। ये चीज अभी यहाँ पे काम नहीं करेगी, जब हम पेज लेआउट पे जाएंगे तब जाके काम करेगा। मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आपके पास ये रूलर नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो रूलर है ये अगर आपने शो करवाना है तो आप इसको चेक रहने दें, अदरवाइज आप इसको हटा दें तो ये यहाँ से हट जाएगा। अगर आप इसको दोबारा से शो करना चाहते हैं तो ये शो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इजी सा ऑप्शन है, आप इसको चेक करेंगे तो शो होगा, अनचेक करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, ग्रिड लाइन मैं इसको नॉर्मल करती हूँ फिर बताती हूँ। ये जो ग्रिड लाइन मतलब जो छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं ये है ग्रिड लाइंस। ठीक है, हम इसको जैसे चेक से हटा देंगे तो ये ग्रिड लाइंस हट जाएंगे। ठीक है, और इसको चेक कर देंगे तो ये नजर आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह फॉर्मूला बार, ये जो फॉर्मूला बार है, देखिए अब मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी तो इसमें कुछ लिखूंगी तो मेरे पास यहाँ पे उसका जो उसके अंदर जो वर्किंग हुई है वो तमाम यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आप जो भी लिखेंगी वो तमाम चीज यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बार अगर आप चाहते हैं कि शो हो तो ये शो होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला बार पे अनचेक और चेक करके देख लेना, ये शो और शो हो जाएगी और आप क्या करेंगे अनचेक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। इसी तरह हेडिंग किसे कहते हैं, कॉलम्स और रो की जो हेडिंग्स हैं, मतलब ये कॉलम नंबर ए है, बी, सी, डी और जेड तक जा रहा है, फिर ए टू जेड स्मॉल में और फिर आगे कंटिन्यू ये कॉलम्स चलते जा रहे हैं। इसी तरह वन से स्टार्ट हो रही है रो और फिर जितनी वर्किंग आप करेंगे ये उतना चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये शो हो, वैसे तो बहुत काम की चीज होती है, फिर हमें सेल नंबर पता चल जाता है कि इस सेल का एड्रेस क्या है, तो हमें चाहिए कि हम इसे जो है हेडिंग्स को शो ही रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये शो ना हो तो आप इसको अनहाइड कर सकते हैं, सॉरी हाइड कर सकते हैं। ठीक है, चेक हटा देंगे तो ये हाइड हो जाएंगी और चेक कर लगा देंगे तो ये अनहाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शो के ऑप्शन को भी देख सकते हैं। इसमें चार ऑप्शन होते हैं, चारों मैंने आपको समझा दिए, होपफुली आप लोगों को समझ आए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जूम का। अब वैसे तो हम क्या करते हैं, जूम को जो है कंट्रोल प्लस का बटन भी यूज करके शॉर्टकट की यूज करके भी हम काम कर लेते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में जो हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ से भी हम जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। ये बहुत ईजी ऑप्शन है, तो ये वैसे इजी होता है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको जो है यहाँ से यूज करना पड़े तो आप सिंपली देखें, किसी भी सेल को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको जूम करना स्टार्ट कर देगा। सॉरी ये ऑप्शन आ गया, आप जूम पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो चीज है ये आपको बता रहा है कि आपने इसको कितना जूम करना है, और यही सेम चीज आपके पास यहाँ भी है। ठीक है, अभी 100% है तो देखिए यहाँ भी 100% पे सिलेक्ट। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो कम पे चले जाए, और अगर आपने इसको ज्यादा करना है तो आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 200 पर सिलेक्ट करूं, ओके प्रेस करूं, देखो ये जूम हो गया। ठीक है, कम कर देंगे तो ये वापस से 100% पे आ जाएगा। ठीक है, ओके प्रेस कर देंगे, ओके हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 100%, मतलब आपने चेंजिंग चेंज कर दी, लाइक आपने क्या कर दिया 50% कर दिया, ओके प्रेस कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको 100% पे लेके ना, आपने यहाँ जाना चाहे सिंपली एक बटन पे क्लिक करें और ये 100% पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जूम टू सिलेक्शन, मतलब आपने जितना हिस्सा सिलेक्ट किया हुआ है उसको जूम आउट करके आपको दिखा देगा। ठीक है, जब हम छोटी मतलब जिसको जब लाइक अगर हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारी जो जूम आउट की जो सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है और हम इसको ओके प्रेस कर देते हैं, अब देखिए कम है। अब आप चाहते हैं कि जो हिस्सा ही की जो मैंने सिलेक्शन की हुई ये थोड़ा वाजे होकर नजर आए, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं जैसे ही जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करूंगी तो मुझे जूम करके दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है, और कंट्रोल प्रेस कर दें या ब्रेक कर दें वापस से तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, वापस 100% पे आते हैं ताकि हम चीजों को इजीली देख सके। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है आप इसी विंडो को कॉपी करके एक और विंडो खोल लें।
ठीक है, मैं जैसी न्यू विंडो, अब देखिए मेरे पास दो विंडो खुली हुई है और दोनों बुक वन और बुक टू की अलग अलग विंडो है, लेकिन अगर हम इसको चेंज करेंगे लाइक अगर मैं इसको न्यू विंडो खोलूंगी तो मेरे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैंने बुक वन को चेंज किया था। ठीक है, मैंने बुक वन पे वर्किंग की थी कि मैंने अब बुक वन को मैंने इसकी कॉपी कर ली थी, मतलब इसी को एक और विंडो पे ओपन कर लिया था, तो ये 1:1 बन गई, मतलब ये 1:1 है और ये 1:2 है। ठीक है, सेम चीज ही, लेकिन क्या होगा इनका नाम चेंज, क्योंकि कभी भी आप एक सिस्टम में एक ही नाम की एक ही जगह पे दो फाइल नहीं रख सकते। ठीक है, नाम हमेशा चेंज होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, विंडो को तो कॉपी कर दिया बट इनके नाम को चेंज कर दिया कि 1:1 और ये 1:2। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अरेंज ऑल का। अरेंज ऑल का मतलब है कि आप इनको लाइक मैं आपको ये बाद में बताती हूँ, अरेंज ऑल का मतलब है जब आप इन विंडोज को जो है एक ही साथ खोले, मतलब साइड बाय साइड खोलेंगे तो तब जाके आपको चीज अच्छी तरह और भी नजर आएगी। मैं यहाँ पे आपको बाद में समझाती हूँ, जैसे कि देखो ये विंडोज खुली हुई थी ना, मैं दोबारा से समझाती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। अब मेरे पास क्या है, एक सेकेंड दोबारा से समझाती हूँ मैं आपको, मेरे पास बुक वन खुली हुई है और मैंने इस बुक वन को क्या किया है, नई विंडो में भी खोल लिया। मैं क्या करती हूँ, दो एक और विंडो से खोल लेती हूँ। ठीक है, ये 1:2 आ गई और वो क्या थी, 1:1 थी। ठीक है, ये 1:1 है और ये 1:2 है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको मतलब एक ही अपनी स्क्रीन पे दोनों विंडो को एक साथ खोलना चाहती हूँ तो ये बड़ी इजीली दोनों जो है मेरे पास एक साथ विंडो पे शो हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, बस सिंपली से अरेंज ऑल पे जाना है और हॉरिजॉन्टली आप क्लिक कर लें या वर्टिकली, जिस तरह आपने इसको शो करवाना है आप करवा सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से शो हो जाएंगे। ठीक है दोनों, अब देखिए एक एक बात हो रही है जब आप दोनों जो है चलिए ये ऑप्शन मैं आपको बाद में समझाती हूँ, हम इसको कट कर देते हैं और ओके इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज होपफुली आप लोगों को समझ आएगी कि हम अरेंज किस तरह से करते हैं कि जब हम एक ही विंडो को दूसरी विंडो में भी खोल रहे होते हैं, लाइक एक ही इसी चीज को एक और विंडो से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो हम इसको साइड बाय साइड भी खोल सकते हैं, इसको अरेंज ऑल करके इन ऑप्शन के थ्रू इनको ओपन कर सकते हैं एक ही विंडो पे, एक ही साथ हमें दोनों विंडोज नजर आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फ्रीज का। फ्रीज के लिए हम चलते हैं वापस से शीट वन पे, वरना हमें दोबारा से ये प्रिंटिंग आउट करनी पड़ेगी, लेकिन हमें फिर भी करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा डेटा और कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ते हैं ताकि हमें इजीली चीज समझ आए। ठीक है, यहाँ चलते हैं, इसको कंट्रोल भी कर देते हैं और इसको भी कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब आपने क्या करना है, ये आपकी प्रोडक्ट की आईडी है, ये प्रोडक्ट का नेम है। आपने फॉर एग्जाम्पल लास्ट में जो है ना सी टोटल अमाउंट लिखी हुई है, या आपने बिल्कुल लास्ट जो कॉलम है उसमें आपने लिखा हुआ है कि इस मंथ में कितनी बेवरेजेज सेल हुई है। अब आपने क्या करना है, इसको लेके अगर आपने बिल्कुल बेवरेजेस का देखना है या तो आप सेल को लेके सीधा सीधा जाएं और लास्ट कॉलम पर आएं, ठीक है, या फिर आप क्या करें इसको लेते हुए यहाँ पर घूमें। लेकिन होगा क्या कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा वर्किंग हुई होती तो हमारे पास मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। अब अगर मैं यहाँ से वहां जा रही हूँ तो जैसे मैं इस पेज से दूसरे पेज पे आगे बढ़ूंगी तो मेरे ये जो कॉलम थे हाइड होना शुरू हो जाएंगे, ऐसी है। लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ जो मेरा फर्स्ट वाला जो कॉलम है, जो उनका नाम है या प्रोडक्ट की आईडी जो है ये भी शो, क्योंकि ये तो बता रहा है ना कि ये प्रोडक्ट का जो नाम है ये इस चीज को बता रहा है कि जो वर्किंग की हुई ये किस चीज की वर्किंग है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे हम आगे जैसे हम मतलब आगे बढ़े कॉलम्स में आगे जाएं तो हमारे जो पहला कॉलम है यहाँ पे शो होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो इससे गलती के चांसेस कम होते हैं, मतलब यहाँ पे ये फ्रीज हो जाए, ये यहाँ से हटे ना। तो ये काम हम कैसे करेंगे, ये काम हम ऐसे करेंगे कि जो हमारा फ्रीज का ऑप्शन हम इसको यूज करेंगे, हम चलेंगे यहाँ पर इस ये जो हमारा मंथ का देखें आपने सिलेक्शन वहां पे करनी है, अपना कर्सर वहां रखना है जिस कॉलम को आपने फ्रीज करना है, बिल्कुल उसके बराबर वाले कॉलम है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्योंकि मुझे ये चाहिए तो प्रोडक्ट का नाम चाहिए तो मैं क्या करूंगी इस वाले सेक्शन पे क्लिक करके रखूंगी और फ्रीज पे जाऊंगी। जैसे मैं फ्रीज पे जाऊंगी तो मैं फ्रीज के पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और ये फ्रीज हो जाएगा। जैसे मैं फ्रीज मैंने क्लिक किया मेरे पास यहाँ पे ये वाली लाइन शो हो गई जो थोड़ा सा बोल्ड होकर आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब जैसे मैं आगे बढ़ूंगी तो देखिएगा क्या होगा कि ये वाला जो प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है वो यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे होगा, अब जैसे मैं आगे गई देखिए यहाँ पे ये फ्रीज हो गया, यहाँ पे ये अटक गया है, मतलब रुक गया है। अब ये चीजें जो यहाँ से हाइड नहीं होंगे, अब कितने ही कॉलम्स आगे चले जाए ये चीज यहाँ से हटेगी नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह। अब ये तो हमने कर लिया इसका कॉलम का कर लिया, अब अगर हम इस रो को करें तो क्या कुछ भी नहीं करना, बस ये आपने नीचे बढ़ जाना है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे आपकी ये रो भी जो है फ्रीज हो गई है, ठीक है। तो जितना नीचे आप जाएंगे ये उतना नीचे चलता रहेगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को फ्रीज का ऑप्शन समझ आया होगा और आपको इसका यूज भी समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप एक दफा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कोई मुश्किल नहीं, सिंपल बाकी दो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सेम है। आप कॉलम को सिलेक्ट करें और इसको रो को और कॉलम को सिलेक्ट करें सिंगल सिंगल तो वो काम भी हो जाएगा। ये तो जो है हमारे पास दोनों को कर रहा था ना, यहाँ पे सिंगल सिंगल होगा। अब आपने क्या करना है, इसको अनफ्रीज करना है। तो आप सिंपली वापस जाएं और पहले ऑप्शन को आप क्लिक करें और देखें अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट का। हम इस वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे खिचड़ी पकी हुई है। तो यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट के ऑप्शन में क्या है कि हम अपनी स्क्रीन को जो है वो स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, कुछ हिस्सों में तोड़ देंगे। अब जैसे मैं स्प्लिट करूंगी तो देखें ये स्क्रीन हमारी ब्रेक हो गई है, चार हिस्सों में हमारी स्क्रीन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब देखें ये इस तरह से ब्रेक हो गई है। अगर आप इस स्क्रॉल को छेड़ेंगे तो ये वाली स्क्रीन ऊपर नीचे होगी और इसको छेड़ेंगे तो ये वाली स्क्रीन होगी, ठीक है। मतलब ये वाला स्क्रॉल इन दोनों को कवर कर रहा है और ये वाला स्क्रॉल इन दोनों को कवर कर रहा है, सेम एज इट इज। ये वाला स्क्रॉल इन दोनों को कवर कर रहा है और ये वाला स्क्रॉल इन दोनों को कवर कर रहा है। और ये देखें आप, एक दो तीन और चार, चार स्क्रीन एक ही स्क्रीन जो है हमने इसको चार हिस्सों में तोड़ दिया। मतलब आप एक जगह पे चेंजिंग करेंगे तो वो दूसरी जगह में भी चेंज होगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को चीज समझ आएगी कि स्प्लिट किस तरह से होता है। हाइड का मतलब आप अपनी इस शीट को हाइड कर देते। मेरे पास तीन शीट्स खुली हुई हैं। अब इनमें से मैं शीट टू को हाइड कर देती हूँ। मैंने जैसे इस पे हाइड पे क्लिक किया तो देखें ये शीट हाइड हो गई, ठीक है। अनहाइड करेंगे तो सारी की सारी अनहाइड हो जाएंगी। बुक वन मतलब हमारे पास जो ये बुक वन है इसकी शीट्स को हमने हाइड कर दिया है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को चीज समझ आई होगी मैंने क्या किया। नॉर्मल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सारा काम, सॉरी स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो ये अनस्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो हम वापस से नॉर्मल पे क्लिक करें ताकि जो भी ऑप्शंस किए वो हट जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है व्यू साइड बाय साइड का, ठीक है। व्यू साइड बाय साइड देखें अभी जो है अभी हटा हुआ, बिल्कुल हम इसको यूज नहीं कर सकते। ये काम तब होगा जब आपके पास इसी की एक और विंडो खुली हुई होगी या कोई और भी विंडोज खुली हुई होंगी एमएस एक्सेल की, जिस पे भी आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैं व्यू पर गई और व्यू पर जाने के बाद मैंने न्यू विंडो पर क्लिक किया, एक और न्यू विंडो पर क्लिक किया, एक और न्यू विंडो पर क्लिक किया, तो मेरे पास अभी ये वन ऑफ थ्री की विंडो खुली हुई। मतलब मेरे पास बुक वन की अब तीन विंडोज खुली हुई है, ठीक है। तो अब हम इसको देख सकते हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास व्यू साइड बाय साइड। अब ये पूछ रहे हैं कि आपने बुक वन ऑफ थ्री के साथ कौन सी बुक ओपन कर ली। मैंने कहा बुक वन ऑफ वन खोलते हैं। मैं जैसे इसको ओपन करूंगी तो मेरे पास ये इस तरह से हो रहा है। अब देखिए इस तरह से क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको वर्टिकली लिया हुआ है। अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टली लेना है आप इस पर क्लिक करें, सॉरी हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, अगर आप इसको वर्टिकली करेंगे ओके प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसको बंद कर दें, अब इस पे आ जाए और ठीक है। ये देखिए आपके, सॉरी आपके पास दोनों एक साथ आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम इसको जैसे मैं इसको जो है स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर रही हूँ तो इसमें भी चेंजिंग आ रही है। अगर इसको कर रही हूँ तो वो इसके साथ भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें वर्किंग करनी है, आप चाहते हैं सिर्फ चेंजिंग इसमें हो इसमें ना हो, अगर आप यहाँ कुछ लिखेंगे देखिए वहां भी लिखा जा रहा है, तो ये काम आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं एक में ही चेंजिंग हो दूसरे में ना हो, तो आपने क्या करना है, मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, सिंक्रोनाइज में जाना है। अभी ये सिंक्रोनाइज कवर सिलेक्ट हुआ हुआ है, आपने इसको अनसिलेक्ट करना। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। व्यू साइड बाय साइड हो गया, ठीक है, सॉरी व्यू साइड बाय साइड भी हट गया, ठीक है। व्यू साइड बाय साइड, एक सेकंड, ठीक है, ये हो गया। तो व्यू साइड बाय साइड भी आ गए दोनों वर्टिकली, हमने इन दोनों को व्यू कर लिया। अब देखिए मैं जैसे इस पे स्क्रॉल करूंगी, सॉरी ये अभी भी वहां पर है सिंक्रोनाइज में, ठीक है। तो ये देखिए मैंने जैसे गिरा सिंक्रोनाइज, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो ये जो है दोनों अलग अलग हो गए। अब ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगी वो तो आपको, सॉरी हाँ, ये क्या होगा कि इसमें जो है हमारे पास स्क्रोलिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन आप जब वर्किंग करेंगे तो वो सेम रहेगी, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो ये काम तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है
रीसेट विंडो पोजीशन, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जैसी फर्स्ट वाली जैसे आपने जैसे ही इसको ओपन किया था तो ये वैसी हो जाएगी, क्योंकि जब हमने इसको मतलब व्यू साइड बाय साइड किया था तो ये वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हुई थी, तो हमने इसको फिर वर्टिकली किया था, तो आप इसको रीसेट करके वापस से ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको जो है हटा देते हैं, अरेंज ऑल पे जाते हैं, वर्टिकली करते हैं, ओके प्रेस करते हैं, तो ये वापस से ये हो जाएगा। ठीक है, एक को बंद कर देते हैं, दूसरे पे वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब होता है कि आपके पास जो नीचे विंडोज ओपन हुई हुई हैं, आप उनमें से एक पे दूसरे पे जाओ, दूसरे पे तीसरे पे जाओ। तो मैं वापस से दो तीन विंडोज बना लेती हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास दो तीन विंडोज बन गई, बिल्कुल ज्यादा ही बन गई है। अब मैंने क्या करना है, इस विंडो पे से वन ऑफ फोर वाली विंडो पर जाना है। तो सिंपली क्या करना है, व्यू पर चलें और स्विच विंडो पर चलें। अभी मुझे सारी जितनी भी विंडो आपके पास नीचे जो है ओपन हुई हुई होंगी आपके टास्क बार में, वो तमाम की तमाम आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर क्लिक किया और देखिए मेरे पास वन ऑफ फाइव वाली विंडो ओपन हो गई। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या होता है कि हमें जब एक विंडो के साथ दूसरी विंडो ओपन करनी होती है तो हमें नीचे जाना पड़ता है टास्क बार पे, उनमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सी विंडोज ओपन है और किस पे जाना, क्योंकि हर विंडो पे अलग काम हुआ होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली व्यू पे जाके और स्विच विंडो पे जाके अलग अलग तमाम जितनी भी है उन पे क्लिक कर दें, जो है जो चाहिए होती है उस पर सिलेक्ट कर लेते हैं और वो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज भी समझ आएगी कि स्विच विंडो कैसे होता है और अरेंज और सॉरी हमारे पास जो विंडो का ऑप्शन था इसको भी हम किस तरह से चेक कर रहे होते हैं और किस तरह से चेंजिंग कर रहे होते हैं, ये चीज भी आपको होपफुली समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मैक्रोस का। मैक्रोस में क्या होता है, समटाइम देखिए देखिए मैंने क्या किया था, जब मैं यहाँ पर थी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर आना है और मुझे सेम चीज यही वाली यहाँ पर भी चाहिए। ठीक है, और दो दिन बाद मुझे क्या करना है, मुझे फिर यही वाला काम करना है, तो क्या मैं बार बार इसी चीज से विंडो ओपन करूंगी, इस पे कॉपी पेस्ट करूंगी, या फिर जो है मैं एक ही चीज को एक दफा कॉपी करके दोबारा उसको यूज नहीं कर सकती। मतलब मैंने एक दफा एक चीज कॉपी कर ली, फिर दूसरी दफा मैंने कोई और चीज कॉपी कर ली, तो जो मैंने फर्स्ट टाइम चीज कॉपी की थी अब मैं उसको कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसका ऑप्शन खत्म हो गया, अब उसकी किसी और चीज ने रिप्लेस कर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी शुदा चीजों को मतलब जो हमने कॉपी किया है, अगर हम इसे बार बार उसकी नीड है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक जगह सेव कर सकते हैं, ताकि हम बस सिंपली क्लिक करें और वो चीज हमारे पास शो हो जाए। तो वो काम कैसे होता है, वो काम होता है मैक्रोस से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लाइक यहाँ पर हम कुछ डेटा लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लें, आप स्टूडेंट का डेटा लिखते हैं, नेम और रोल नंबर, रोल नंबर ले लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, इंग्लिश, उर्दू, सॉरी पहले हमें क्या करना होगा, माइक्रोस को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं। पहले इसको डिलीट करते हैं, माइक्रोस पे चलते हैं। माइक्रोस पे जाने के बाद आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। मैं आपको बताना भूल गई थी कि पहले सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे माइक्रोस का नाम देना है कि आपने जो काम करना है उसको आप क्या नाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे समटाइम काफी सारी माइक्रोस बनी हुई होती हैं। मतलब अगर आपने यूजफुल है आप इसके बहुत ज्यादा, आप इसको काम करने वाले हैं, मतलब एक्सेल या वर्ड को यूज करने वाले हैं, तो हमें बार बार एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करना होता है, तो हमारे पास बहुत सारी फाइल्स बन जाती है और हम उसको कोई भी नाम दें ताकि हमें याद रहे कि इस फाइल में हमने ये काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लेने, मतलब आप जो है 1, 2, 3 लेते, क्योंकि मैं तो सिंपली आपको सिखा रही हूँ, तो प्रैक्टिस के लिए हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने जो है 1, 2, 3 लिखा और इसको क्या किया, ओके कर दिया। जी ठीक है, ओके पे प्रेस करें, ओके सॉरी, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लेटर्स लेने होंगे। ठीक है, जिसे हम एबीसी लिखेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव हो गया, अभी रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जो भी आप यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, वो क्या होगा, इसमें रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। अभी तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जैसे आप कुछ लिखेंगे तो वहां पर रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट का नेम, यहाँ पे आप उसका लिख दें रोल नंबर, यहाँ पे आप लिख दें सब्जेक्ट्स के नाम, ठीक है, केमिस्ट्री। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपली डेमो दे रही हूँ, आपने क्या करना है, वही चीज लेनी है जो आपको चाहिए। ठीक है, आप उसी का काम करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई। यहाँ पे आप नाम ले लें, अली,
ठीक है, एस्कर कुछ भी ले लें, जो भी आप लेना चाहें। और रोल नंबर आप ले दें 1 2 3 और 1 2 4 1 2 5, ठीक है। केमिस्ट्री में आप नंबर दे दें कुछ भी, सॉरी कोई भी नंबर आप लोग डेटा जो है रख सकते हैं इसमें। मैं रैंडमली नंबर ले रही हूँ, ठीक है। ये मैंने डेटा ले लिया और मेरे पास क्या हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब जैसे अब इसमें आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, फॉर्मेटिंग करके भी इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड हो गया, आपने जैसे क्या करना है, मैक्रोस पे जाना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेनी है, ठीक है। अभी आपके पास क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी डेटा को यहाँ पर क्या करना है, किसी भी शीट पे आप चले जाएंगे या सिंपली आपने क्या करना है, बस रिकॉर्ड कर दिया। आप कल आते हैं और आपने अपने काम को स्टार्ट करना है। आपने देखा कि मुझे तो ये चीज दोबारा करनी है, आप सिंपली मैक्रोस पे क्लिक करें, व्यू माइक्रो पे करें। और अभी आपसे पूछ रहा है कि मतलब मेरे पास अभी सिर्फ एक ही बनी हुई, लेकिन अभी बहुत सारी भी हो सकती हैं, तो आपको जोन सी शीट चाहिए आपको उसे सिलेक्ट करना है, रन करना है सिंपली, और देखें आपके पास है सिंपली आपका जो भी वर्क था वो यहाँ पर शो हो गया। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम अपनी चीजों को जो है सेव कर सकते हैं, फिर उसको सिंपली दो क्लिक पर जो है इसको एड जो है फौरन से शो भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस चीज को प्रैक्टिस करते हुए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।